Dear students, I have to talk about the individual differences among children. These are many types and many kinds. These may be physical differences, these may be emotional differences, these may be language differences. I have to talk with you about the, the language development, individual differences with reference to language development. और ये वो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं डी स्टूडेंट्स ये वो करैक्ट्रिस्टिक्स हैं जो स्टूडेंट्स uh, में या चिल्ड्रन में डिफरेंट होते हैं और ये रिजल्ट यानी ये ये कॉन्सिक्वेंस होते हैं डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट्स का और द यूनिक करेक्ट्रिस्टिक्स एंड ट्रेड्स जो जो स्टूडेंट्स uh, में या चिल्ड्रन में पाए जाते हैं वो जब चिल्ड्रन uh, uh, जब दे वन द पास फ्राम वन स्टेज टू अनदर स्टेज जब वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में शिफ्ट होते हैं या जाते हैं तो उस वक्त वो उनमें पाए जाते हैं और उस वक्त वो नुमायाँ होते हैं हमें उनका पता चलता है और इनमें जो जो डेवलपमेंट रेट है वो भी डिफरेंट होता है और ये तमाम जो चिल्ड्रन हैं उनमें ये रफ्तार जो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का है या जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रेट है वो डिफ़रेंट होता है और फॉर फॉर एग्जांपल अब अगर हम बात करें लैंग्वेज के हवाले से तो कुछ बच्चे जो हैं वो जल्द बोलना सीख लेते हैं वो अल्फाज जल्द सीख लेते हैं हती कि एक फैमिली में एक फैमिली के जो बच्चे होते हैं घर के बच्चे होते हैं उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनमें भी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मतलब स्पीकिंग के हवाले से उनकी साउंड उनकी रफ्तार उनकी वर्ड स्पीकिंग उनका वर्ड्स ये सारा ये डिफरेंट हो सकते हैं और यही वजह है कि कुछ बच्चे जो है वो वो उनमें ये जो उनकी रफ्तार फास्ट होती है वो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उनमें जल्दी होती है और उनमें स्पीकिंग या उसकी रफ्तार दूसरों से ज़्यादा होती है वो तेज़ होती है और कुछ स्लो होते हैं और लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसमें सोशल और कल्चर ये फैक्टर्स भी असरानंदाज हो रहे हो रहे होते हैं जिनका ताल्लुक़ आपको नर्चर से है एनवायरनमेंट से है यानी इन नट फैसिलिटीज इन नेट के साथ साथ वो जो कल्चर है जो लैंग्वेज है वो जो पेरेंट्स और फैमिली का जो चीज़ों का असर अंदाज़ असर होता है वो भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर अंदाज़ हो रहा होता है क्योंकि इन नट को उनको भी पॉलिश करने में उनको भी एक मॉडिफाई करने में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का और फिर जो नर्चर का या जो एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एनवायरनमेंट मॉडिफाइज सर्टेन एक्सटेंट द इफेक्ट्स ऑफ फेरटी जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो एनवायरनमेंट है आपकी जो इन फैसिलिटीज़ हैं उसमें वो मॉडिफाई करता है उसमें एक्सटेंड करता है उनमें इजाफा करता है उनको बेहतर बनाता है उनको रिफाइन करता है और इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और ये जो इंडिविजुअली मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअली इनको इनमें डिफरेंस होता है और कुछ बच्चों में वो ज़्यादा बेटर होता है ज़्यादा फास्ट होता है और कुछ में कम हम लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं और वो जो हम इनहेरिट करते हैं जो जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चे इनहेरिट करते हैं डेफिनेट डेफिनेटली उसका भी रोल होता है लेकिन वो एनवायरमेंट के साथ और उसको उनकी ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में उनका रोल होगा और बेहतर होगा और ये जो इनहेरिटी है वो उसको एक पोटेंशल फ्राहम करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी और उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी एक पोटेंशल और डायरेक्शन देते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो उनकी चाइल्ड की लाइफ में बड़ा इम्पॉटेंट रोल है और ये चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करते हैं और हमने चूँकि बात करनी है लैंग्वेज के हवाले से और लैंग्वेज में ये है कि कुछ बच्चों में लैंग्वेज लर्निंग की एक्विजिशन की रफ़्तार तेज़ होती है और कुछ में सुस्त होती है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस लैंग्वेज डेवलपमेंट और ग्रोथ पे एक्विजिशन पे उनका अहम रोल है उनका